ये जो पिछले साल का कोरोना काल आया था, उस कोरोना काल में इतनी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें कभी भी नहीं सुनने को गई जो इस कोरोना काल में फिलहाल में सुनाई दे रही है। टोटल मैं अपना घर पर आइसोलेट रहता हूँ, जब भी पूरी जनता की सेवा रखता हूँ, अकेले अपने घर में रहता हूँ और 24 घंटे अपनी जनता की सेवा में हूँ। दिन रात जो मेरे सारे भाई हैं उन्होंने मेरा इस समय साथ दिया है। हमारे बड़े भैया रजत मिश्रा कोरोना काल में समाज की सेवा करते हुए, सब जगह सैनिटाइज करते हुए, घर मोहल्ले गली कूचों में सैनिटाइजेशन चल रहा है इनका, अपनी पर्सनल उससे सेवा में लगे हुए हैं। कोरोना काल के टाइम पे ये घर घर जाके सैनिटाइज करवा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज लाइव 18 में और मैं आपके साथ जगदीश प्रजापति। आज मैं आया हुआ हूँ दिलसाद गार्डन में और यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा काम चल रहा था सैनिटाइजेशन का। तो यहाँ पर हमारे साथ रजत मिश्रा जी हैं, उन्होंने जो पूछते हैं सर आपकी ये सेवा भाव का जो वो है दिल है वो कैसे लगा? देखिए, जो पिछले साल का कोरोना काल आया था उस कोरोना काल में इतनी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें कभी भी नहीं सुनने को गई जो इस कोरोना काल में फिलहाल में सुनाई दे रही है, क्योंकि इसमें मेरे अपने भी जितने लोग हैं, जितने मेरे संपर्क में लोग हैं, उन लोगों से भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा सुनने में आया कि कभी किसी यंग की डेथ हो गई, किसी के यहाँ किसी दोस्त के एकदम भाई की डेथ हो गई, या मेरी खुद अपनी एक रिश्तेदार में हमारी दीदी है उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद से मैंने निर्णय लिया कि यार जब अगर मरना ही है तो क्यों ना लोगों की सेवा करने के बाद मरे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इससे अच्छा ना कि घर पर ही अपना रहें। तो मैंने अपने आप को टोटल मैं अपना घर पर आइसोलेट रहता हूँ, जब भी पूरी जनता की सेवा रखता हूँ, अकेले अपने घर में रहता हूँ और 24 घंटे अपनी जनता की सेवा में हूँ। दिन रात सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर या कोई भी आजकल जैसे दवाइयों की किल्लत आ रही, जो सुविधा जितनी सुविधा मैं अपनी जनता को पहुँचा सकता हूँ उतनी सुविधा मैं अपनी जनता को पहुँचा रहा हूँ। और उसके बाद रात को मैं अपने सभी भाइयों के साथ, सबसे अच्छी बात है कि
जो मेरे सारे भाई हैं उन्होंने मेरा इस समय साथ दिया है और अपने भाइयों के साथ मैं अच्छे से रात को भी अपनी जनता की सैनिटाइज के द्वारा सेवा करवा पा रहा हूँ, जो कि हमारे नगर निगम का काम है। लेकिन नगर निगम मेरे को इस चीज़ में सैनिटाइजेशन जो होती है हमारी लोकल गवर्नमेंट की होती है, लेकिन हमारी लोकल गवर्नमेंट जो है नगर निगम वो मेरे को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फेल नज़र आई सैनिटाइजेशन के उसमें। तो इसीलिए ये निर्णय मैंने अपने खुद से उठाया, अपने भाइयों के साथ सहयोग से, हर चीज़ से रात दिन साथ सहयोग से उठाया कि हम घर घर जाकर, कोई ऐसा नहीं कि केवल दूर तक कर दिया, चार घर दिखा दिया, पूरा ए टू जेड नीचे से लेकर ऊपर तक, चाहे चार मंजिल हो, पाँच मंजिल हो, जितनी मंजिल हैं सबके एक एक घर तक सैनिटाइज करूंगा। और इस चीज़ में मैं अपनी सेवा जब तक नहीं रोकूंगा, जब तक ये कोरोना हमारे देश से मुक्त नहीं हो जाता, जब तक मैं अपनी हर एक जनता की, एक एक घर के, एक एक नागरिक की लड़ाई लड़ता रहूँगा। मिश्रा जी, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं या कोई आपकी पार्टी सपोर्ट कर रही है आपको ये सब कराने के लिए, या सब आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं? किसी प्रकार का कोई पार्टी से जुड़ाव नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अपनी एक सेवा है नागरिक के नाते, इस देश के नागरिक के नाते, एक अच्छे नागरिक के नाते मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ, कोई पार्टी का और कोई पॉलिटिक्स नहीं। और मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ ये समय भी किसी पॉलिटिकल बात करने का नहीं है, ये समय सिर्फ और सिर्फ सेवा करने का है। आप सब लोग जितनी सेवा इस समय कर सके, अपने जानने वालों की जितनी ज़्यादा सेवा कर सके, ये सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ का समय है और वो चीज़ मैं पूरे अपने उससे कर रहा हूँ। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब मेरे पास दिन भर में, पूरे दिन भर में कहीं से कॉल आती है कि बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या कुछ चाहिए, तो मैं हर चीज़ के लिए बस ये कहता हूँ सर अपना मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिएगा, बाकी आपका बच्चा संपूर्ण है, जब तक हूँ तब तक भरपूर अपनी सेवा देता रहूँगा, ना रुकूँगा ना डरूंगा बस। मिश्रा जी, जैसे हमने आपको पहले भी देखा है और आज सुबह भी देखा था कि आप कोविड जो मरीज है उनको आप अपनी गाड़ी में लेके आते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, जैसे अभी आपने कल ही एक यमुना स्पोर्ट्स क्लब में करवाया था एडमिट, तो उसका क्या है, आप दिन में भी लगे रहते हैं रात में भी? मेरा ये है कि फिलहाल मैं मुश्किल से मुश्किल पिछले 5-6 दिनों से डेढ़ या दो घंटे की ही नींद ले पा रहा हूँ, लेकिन नींद आ भी नहीं रही अपने आप। सबसे ये बताऊँ, जब जिम्मेदारियाँ आपके सर पे बहुत ज़्यादा होती है, जब लोगों का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, तो उस समय ऑटोमेटिकली आपको नींद आना बंद हो जाती है, क्योंकि मेरे फ़ोन 3-3, 4-4 बजे तक बजते रहते हैं, 5-5 बजे तक सुबह बजते रहते हैं। कल भी रात मेरे भाई का एक फ़ोन का आया, उनका फ़ोन रात को आया 2:30 बजे, तो 2:30 बजे यहाँ से तुरंत मैंने उनको अपनी गाड़ी में बैठाया, बल्कि पीछे वाली सीट पर लेटाया, और उसके बाद तुरंत ही यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एडमिट करवाया। तो जितनी भी सेवा मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ 2400 घंटे सेवा कर रहा हूँ, करता रहूँगा, जब तक हमारा देश इस कोरोना से मुक्त नहीं हो जाता। ऊपर वालों का आशीर्वाद है, आप जैसे बड़े भाइयों का आशीर्वाद है, मेरे जितने सारे क्षेत्र के, मेरे दिलशाद गार्डन के माता पिता हैं, उन सब का मेरे ऊपर भरपूर आशीर्वाद है और भरपूर आशीर्वाद बरस रहा है। तो इसीलिए जब सबका आशीर्वाद है तो ऊपर वाले की कृपा तो मेरे पे अपने आप ही बरस रही है, ना मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है ना कुछ, हर चीज़ में अपनी जनता के लिए खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, रजत जी आज आपके एरिया में आए हुए हैं और ये दिन रात आपकी सेवा में लगे हुए हैं, दिन में भी रात में भी, और आज यहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम करवा रहे हैं, क्योंकि लोग अब तो इस महामारी में अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं और ये रात और दिन दोनों काम कर रहे हैं, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो उतनी कम है। और अभी मैं देख रहा हूँ, मैं अभी सो रहा था तो एकदम तुरंत मेरी आवाज़ आई बाहर से, तो मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि रजत जी कहते हैं अपना सैनिटाइज कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं इनके साथ में आ गया और हम ये चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही ये काम करते रहें, बहुत अच्छा काम है। आप और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस चीज़ से, सरकार को, जो एमसीडी में सरकार बैठे, आप उसको क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि भी सबको ये काम करना चाहिए, उनका ये फर्ज बनता है कि ये काम करें, और जितना हो सके भी अपनी कोशिश करें कि भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज वो हो सके, तो बहुत अच्छा काम है यार, ये उनको करना चाहिए।